आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या है कि दो स्फीयर्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। दो स्फीयर्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब बोथ हैव सेम रेडियस बट देयर मासेस आर 2 kg एंड 4 kg। ये 2 kg का है और ये 4 kg का है। इफ द वेलोसिटीज आर 4 m/s, इसकी है 4 m/s, इसके 2 m/s, और ई जो दे रखा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वो 1/3। द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन। अब देखो दोस्तों क्या होगा कि ये दोनों कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो मान लेते कोलिजन के बाद में ये जो 2 kg का है ये इधर कुछ v1 वेलोसिटी से जा रहा है और ये जो 4 kg का है ये इधर कुछ v2 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। तो अब पहला हम चीज़ क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्व करेंगे, ठीक है। मोमेंटम हम कंजर्व कब करते हैं कि जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो या इस केस में नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है। तो मोमेंटम अगर कंसिडर करते तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, 2 × 4 और -4 × 2, ये गया इनिशियल मोमेंटम। वो किसके बराबर हो गया, फाइनल मोमेंटम 2 × v1 +4 × v2 के। हमने माइनस साइन क्यों लिया, इसका डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए। तो ये क्या हो जाएगा, 8 - 8 जो कि है जीरो, किसके बराबर, 2v1 +4v2 के। तो हमारा मिल गया v1 +2v2 कितना हो गया, जीरो हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन वन। अब सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या होगा, ई हमारा जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमारा कितना हो गया, v2 - v1, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो गया, 4 + 2 बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और वो कितना दे रखा है, 1/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, v2 - v1 / 6। तो ये 3 × 2 = 6 हो गया। तो v2 - v1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि v1 +2v2 की वैल्यू हो गई 0 और -v1 +v2 की वैल्यू हो गई 2। अब इनको ऐड करते हैं तो ये हो गया 3v2 2 के बराबर, ठीक है। तो v2 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 2/3 m/s, और v1 की वैल्यू कितनी हो गई, v2 - 2, मतलब 2/3 - 2 जो कि हो गया 2 - 6/3, मतलब -4/3। तो v1 हो गया -4/3 m/s। अब माइनस क्यों आया है, क्योंकि इसका डायरेक्शन ये वाला था। अब हमें वेलोसिटीज मिल गई। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी 1/2, ये देखो 2 × 4² +4 × 2² तो 1/2 mv² 2 × 4² +4 × 2² तो ये हो गया 1/2 × 2 × 4 = 16 +4 × 2 = 4 तो ये कितना हो गया, ये 1/2 times हो गया 16 × 2 = 32 +4 × 4 = 16 तो ये हो गया टोटल 16 + 8 जो कि कितना हो गया, 24, ठीक है, 24 joules। 24 joules हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 × 2 v1² +1/2 × 4 × v2² तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 × v1 कितना हो गया हमारा, 4/3 होल स्क्वायर +1/2 × 4 × 2/3 होल स्क्वायर तो ये लिख लिया हमने, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 तो ये 16/9 +2 × 16/9 तो ये कितना हो गया, 16 + 16 = 32/9 जो कि कितना हो गया, जो हो जाएगा हमारा 48/9, ठीक है, 48/9। अब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, वो हो गई 48/9 -24। 48/9 को हम कितना लिख सकते हैं, 9 × 5 = 45.9, 9 × 3 = 27 तो 5.3 -24 तो ये कितना हो गया, -21 joule, ठीक है, अराउंड -21 joule हमारा आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।